नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं कि आलू के भाव आगे चल के क्या रहने वाले हैं और इस समय मंडियों में आलू के भाव की पोजीशन क्या बनी हुई है और हमारे किसान भाइयों को आलू के भाव कब तक जो है ठीक ठाक देखने को मिलते रहेंगे, कंप्लीट आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। चैनल पर पहली बार है, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास वाली बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं आलू के भाव का अपडेट डालूं इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले हमारे किसान भाइयों तक पहुँचे। किसान भाइयों, आलू के भाव को लेकर एक बहुत ही बड़ी चर्चा जो है सामने निकल के आ रही है। बहुत से कोल्ड मालिक और व्यापारी और किसान भाई अपनी अपनी राय बता रहे हैं कि आलू इस वर्ष जो है बहुत ही कम मात्रा में लगा हुआ है और अगर आलू के भाव ऐसे ही चलते रहे मंडियों में तो हमारे किसान भाइयों को आलू के भाव ठीक ठाक देखने को मिलते रहेंगे। बहरहाल जो इस समय सुपर क्वालिटी आलू आ रहा है मंडियों में, जो बिल्कुल छटकर आ रहा है, वो इस समय मंडियों में किसान भाइयों 1,000 रुपए से अधिक जो है मंडियों में हमारे किसान भाइयों को देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करें किसान भाइयों, जो वर्तमान समय में मंडियों में आलू के भाव हैं इस समय, वो हमारे किसान भाइयों को ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। मंडियों में आलू का भाव इस समय किसान भाइयों 800 रुपए से लेकर 1100-1200 रुपए प्रति क्विंटल तक जो है पहुंच गया। अगर हम कानपुर की मंडी की बात करें तो कानपुर में भी जो है किसान भाइयों आलू 700 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से बिकता नजर आ रहा है। इसके साथ साथ वहीं किसान भाइयों अगर हम बात कर लें फर्रुखाबाद की मंडी की, तो फर्रुखाबाद मंडी में भी जो है आलू किसान भाइयों 37-97 1000 रुपए से लेकर 1030 रुपए 1050 रुपए प्रति क्विंटल तक जो है बिकता नजर आ रहा है। अब जो है आलू इस समय मंडियों में आ रहा है किसान भाइयों, वो लगभग 99% जो है पका हुआ आलू आ रहा है और बहुत ही कम मात्रा में जो है कम पका आलू देखने को मिल रहा है। अब धीरे धीरे जो है 37-97 खयाती हालेंड कई वैरायटियां जो हैं मंडियों में पहुंचने लगी हैं और ऐसे ही धीरे धीरे जो है आलू के भाव में बढ़ोतरी हमारे किसान भाइयों को आगे चलकर जो है मिलती रहेगी। बहरहाल इस समय जो पोजीशन आलू की बनी हुई है वो बहुत ही अच्छी बनी हुई है। मंडियों में आलू के भाव ठीक ठाक हमारे किसान भाइयों को देखने को मिल रहे हैं और जो आने वाले समय में भी जो है आलू के भाव हमारे किसान भाइयों को ठीक ठाक देखने को मिलेंगे। तो किसान भाइयों, ये थे आलू के भाव के विषय पर एक बड़ी चर्चा जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से शेयर की। वीडियो और जानकारी पसंद आई तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें। लाइक के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान भाइयों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।